गाइस इसीलिए इसमें रीजन नहीं देना अगर इस बाइक में कुछ खराब होता है। जो स्प्रे हम आपको दिखाए थे कि बाइक में मारे तो देखिए ये सब कलर उतर गया था और मुझे और यहाँ पे लिखा है ब्लैक। इसको हम अभी टेस्ट तो लगा नहीं है लेकिन यहाँ पे मार के हम आपको दिखाएंगे कैसा है। गाइस तो तेल स्टार्ट हो गया भरना, आप देख सकते 670 रुपये का पड़ा है, 5333 चला है, कमी नहीं है। इस बाइक बहुत अच्छी चल रही है और हम यही कहना चाहेंगे कि भाई अगर कोई नया परचेस बाइक करना चाहता है माइलेज में तो हीरो स्प्लेंडर ले सकता है। माए थे ओरियन मॉल और विशाल भैया को मोचा लेना था और हमको भी लेना था, तो जो लेने आए थे वो एक सामान मिल गया एक नहीं मिला है। और यहाँ पे जो सामान लेंगे आप एक अच्छी क्वालिटी की मिलती है और ओरियन मॉल में कौन सा दुकान है एक बार आपने मुझे बोले यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर लेने आएंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, जो डिस्काउंट रहेगा कंपनी देगी वो बिल्कुल मिलेगा। तो हम जो लिए हैं वो आपको दिखाते हैं, उमे का मोजा है और ये लिए हैं भैया कितने का पड़ा ये हमें, कितने का 699 में। और ये भैया लोग स्टाफ हैं यहाँ पे और यहाँ पे जितना हर कौन कौन सा ब्रांड मिलेगा भैया, तो इतना आपको हमेशा कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलता है, यहाँ जब भी आएंगे आपको डिस्काउंट में जरूर मिलेगा। और हर बार इतना जान लीजिए कि आप रिटर्न घूम के नहीं जा सकते हैं क्योंकि हम जब भी आए हैं कुछ तो कुछ लेकर गए यहाँ पे और यहीं से हम सामान ले जाते रहते हैं। अभी ठंडी के लिए कौन कौन सा सामान आ चुका है हमारे पास, ट्रैक सूट आ चुकी है, हुडी आ चुकी है, आपका स्वेट टी शर्ट, आपका लोवर, अच्छे से लोवर मिल जाएंगे आपको, फरारी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू की लोवर शूज आपको अच्छे। एक बार डिस्प्ले दिखा सकते हैं गाइस, देख सकते हैं प्यारा तो है ये आपकी 5999 की है, जिस पे अभी आप लेते हैं तो 30% ऑफ होगा, अभी लेंगे तो 30% ऑफ चलेगा जो कि आपको अदर मार्केट में ये चीज़ अभी नहीं मिली। चलिए तो हमारे सब्सक्राइबर को हैप्पी दिवाली बोलिए, हैप्पी दिवाली सर। गाइस अभी हम आए हैं मैक्स में और आपको ऑलरेडी पता होगा अगर हमारा ब्लॉग कंटिन्यू देखते होंगे तो आर्यन मॉल में आते हैं तो मैक्स में जरूर लेके जाते हैं, तो ठंडी आके तो हुडी उडी लेंगे और बाकी यहाँ पे आते रहते हैं जो सामान लेंगे वो तो दिखाएंगे ही आपको, तो चलते हैं जो पसंद आएगा वो लेंगे, नहीं पसंद आएगा नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पे आएंगे तो जरूर कुछ तो कुछ लेकर जाते हैं, ये चीज़ आप जान लीजिए। इस आर्यन मॉल का डेकोरेशन देख लीजिए, ये जो सामने देख रहे हैं ये लिफ्ट है, लिफ्ट और हाँ अच्छा गाइस तो पहले आपको बता दें आईफोन यहीं से लेंगे और जब लेने आएंगे तो इसका ब्लॉग बनाएंगे और अपना कैप से यहाँ पे है। हाँ गाइस और ये मॉल से बाहर निकल रहे थे तो ऊपर कुछ डेकोरेशन अच्छा दिखा है, हम कहीं आपको दिखाना चाहिए। और ये बाहर का है, वहाँ पे एलईडी डिस्प्ले भी लगा हुआ है। गोरखपुर में ओरियन मॉल सबसे बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे हम शॉपिंग करते हैं, यहाँ पे अच्छा भी मिलता है हमें सामान और अक्सर यहीं पे लेने आते हैं। और यहाँ पे आप डिस्प्ले देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या है। गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, अपने बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे, तो सबसे पहले आपको हैप्पी दिवाली मैं दिल से बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में सबसे प्यारा चीज़ है तो आप लोग हैं, क्योंकि यूट्यूब पे मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आऊँगा, लेकिन होता है ना कि जो नहीं हो सकता वही लोग कर बैठते हैं, तो अब ऐसा लगता है कि जब यूट्यूब पे हम आते हैं और आप लोग हमसे सवाल करते हैं, कमेंट करते हैं, जब लाइक करके जाते हैं तो बहुत मोटिवेट होते हैं। तो 7:21 है तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल बड़ों को प्रणाम, शर्टों को हेलो।
तो जैसे अब देखें कि हम ऑरियल मॉल गए थे तो सामान लेके आ चुके हैं, रात में ज़्यादा रात भी हो गया था इसलिए मतलब ब्लॉग नहीं बना पाए कंटिन्यू, आके सो गए थे। तो अभी जाना है पेट्रोल डलवाने, बरस भी नहीं किए हैं क्योंकि सो तो उठे ही ब्लॉग बना रहे हैं, क्योंकि आपका काम है रियल चीज़ दिखाना, क्योंकि देखिए अभी मुँह भी नहीं धुले हैं। तो चलते हैं ब्रश करने, पेट्रोल डलवाते हैं, फिर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। गाइस जो लॉन्ग राइड हम करने वाले हैं वो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं खुद पैसे कमाता हूँ, खुद ही पैसे से राइड करना रहता है, मेरा कोई भी एकअप नहीं है, इसीलिए हमें कोई भी काम करने के लिए टाइम लग जाता है। आप लोग लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहेंगे। गाइस फिर सोच के अब चलते हैं पेट्रोल डलवाते हैं, और बाइक में एक प्रॉब्लम हो गया, उसके लिए हम एक कलर लाए थे ब्लैक कलर का स्प्रे वाला, बाइक में जो है ना कलर छोड़ने लगा हुआ है, तो जहाँ पे छोड़ा है और जहाँ पे हम मारे हैं स्प्रे ब्लैक वाला वो भी दिखाते हैं, और जो स्प्रे लाते हैं वो आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर लिखा है ब्लैक, अभी 39 क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ब्लैक कलर का स्प्रे है, और ये कहाँ कहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये आपको दिखाते हैं। मेन चीज़ आपको दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ स्प्रे कर सकते हैं, और इसको कुछ इस तरह दिखेगा, और इसको हम अभी टेस्ट तो लगा नहीं है, लेकिन यहाँ पे मार के हम आपको दिखाएंगे कैसा है, क्योंकि ब्लैक कलर का है। गाइस आपको पता है कि हम मिडिल क्लास से हैं और देसी गांव से हैं, तो देसी गांव का ये बर्तन है और ये कुछ नमकीन है, और आपको पता है कि ब्लैक चाय हम पीते हैं, और मेरे फैमिली में भी लोग अलग अलग टाइप के पीते हैं, दूध वाला भी पीते हैं ब्लैक पीते हैं, लेकिन हम ब्लैक पीते हैं क्योंकि हमें ब्लैक अच्छा लगता है। तो ये रहा देसी बर्तन और ये रहा देसी कटोरा, तो आपको सब कुछ देसी ही मिलेगा। अब चाय पीने के बाद चलते हैं पेट्रोल डलवाते हैं। गाइस जो आसिंग डबल मंगाए हैं इसी से हम बाइक पहुँच रहे हैं, कि हमारे सब्सक्राइबर को फीलिंग हो और मोटिवेट हो कि हमारे जो सब्सक्राइबर बोलेंगे वही होगा। और जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर बोले थे कि ये मंगाने के लिए, और इसे मंगाए, और हम बाइक से यही पूछ रहे हैं कि उनको भी अच्छा लगे, कि मतलब हाँ, कि मतलब कोई भी सब्सक्राइबर अगर कुछ कहते हमसे तो उनका हम कर देते हैं। और आप लोग से ये बस इतना कहना था कि सुपर बाइक लेना है तो कौन सा सुपर बाइक में लें, आप लोग को कौन कौन सी बाइक पसंद है वो सब कुछ आप कमेंट लिस्ट में लिख दीजिएगा, हम सारा उसका नोट बना लेंगे। और ऐसा नहीं है कि एक सब्सक्राइबर बोल के जाएंगे तो उनका नहीं लेंगे, जितने बाइक आप लोग लिखे रहेंगे उतना बाइक हम खरीदेंगे ओपन द चैलेंज। ये एक वीडियो नहीं, एक आईडी प्रूफ रहेगा आप लोग के लिए, जो बंदा बोलेगा ये बाइक खरीद ले वो भी बाइक हम खरीदेंगे, जो अगला बोलेगा भैया ये भी बाइक खरीदेंगे हमें वो भी बाइक खरीदूंगा, क्योंकि आपको पता है कि हमें बाइक का ज़्यादा शौक़ है और हम नहीं चाहते कि किसी को कोई दुखी हो। तो जितने भाई लोग अपना बाइक बोलेंगे खरीदने के लिए उतना सारा बाइक हम खरीदेंगे। जैसे आपको पता है कि अपने गैरेज में सारा कुछ अब खरीदने वाले हैं, लोग घर खरीदते हैं रहने के लिए, हम घर खरीदेंगे बाइक रखने के लिए। तो फटाफट जाइए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और अपना ये नाम नहीं एक ब्रांड है तो सपोर्ट करते रहिए। तो चलें तेल डलवाने, तो हम आपको बता दें 369 चला है और तेल ख़त्म हो चुका है, चलते हैं टंकी फुल कराते हैं। और टोटल कितना चला है 5328, तो टंकी फुल करके ट्रिप जीरो कर देते हैं। जो स्प्रे हम आपको दिखाए थे कि बाइक में मारे हैं, तो देखिए ये सब कलर उतर गया था, और मुझे नहीं पता कैसे उतर गया, लेकिन मुझे लगता है कि जो साइलेंसर हीट होता है, गर्म होता है, तो उस पर कलर छोड़ देता है, तो उसी वजह से इसमें हम कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, हम बस बता रहे हैं कि कलर छोड़ देता, तो हम स्प्रे ला के इस पर कलर मार दिए हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इस पर मारे हुए हैं। बाइक में कुछ प्रॉब्लम होता है तो इसमें हम रीज़न नहीं बताते हैं, रीज़न वो लोग बताते हैं जो कुछ कर नहीं पाते हैं। अगर इसमें कुछ ख़राबी होती है तो हमें बनवाना है ना, किसमें रीज़न देना है। अगर जैसे हम कह रहे हैं कि अभी न्यू बाइक है, इसका चैन टूट जाए, तो हमें ये नहीं बोलना है कि न्यू बाइक का चैन टूट गया, न्यू बाइक का चैन टूट गया है, चलो मिस्टेक होती रहती है, बहुत सी कंपनी गलती हो जाती है, तो नया चैन लगवा लो, बात ख़त्म। अब
वो लोग हम देखे हैं कि बाइक नया लेते हैं, कुछ ख़राबी हो जाता है, अरे भाई नया बाइक है ख़राब हो गया, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। भाई ठीक है, सबसे होता रहता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। 1 लाख की गाड़ी 1 करोड़ की गाड़ी थोड़ी ना है, तो अगर इसमें कुछ ख़राबी हो जाती है तो बनवा लो। और गाइस इसीलिए इसमें रीज़न नहीं देना, अगर इस बाइक में कुछ ख़राब होता है तो हम इसको बनवाते हैं। हाँ क्या कर रहे हो? हाँ तो गोलू आया हुआ है, गोलू हाय बोलो सबको, बहुत प्यारा बच्चा है और आपको बता दें घर पे काम भी करता रहता अपना। तो अभी हम चल रहे हैं टैंक फुल कराते हैं, टैंक फुल करके आपको बताते हैं। तो गाइस अगर बाइक में कुछ ख़राबी होती है तो हम रीज़न नहीं देते हैं, तुरंत बनवा लेते हैं। तो पेट्रोल पंप पे हम आ चुके हैं, आप देख सकते हैं, और पावर डलवाते हैं, आपको अच्छे से पता है गाइस। तो तेल स्टार्ट हो गया भरना, आप देख सकते हैं। पूरा भर दीजिए। अच्छा इसमें जैसे ही छुआएगा तुरंत कम रुक जाता है, ऑटोमेटिक बाहर नहीं गिने देगा। 670 ठीक, 670 रुपये का पड़ा है। और अब इसको ऑन करते हैं। तो अभी स्टार्टिंग में आपको पता ही क्या लिखेगा, हेलो माय हीरो। और टैंक फुल हो चुका है और 373 दिखा रहा है। अब इसको ट्रिप मोड को जीरो करते हैं, और ट्रिप बी को भी जीरो करते हैं, और 5333 चला है। अब इसको ट्रिप ए पे कर दिए हैं। अब तो फिलहाल इस बाइक में तो कोई कमी नहीं है, इस बाइक बहुत अच्छी चल रही है। और हम यही कहना चाहेंगे कि भाई अगर कोई नया परचेस बाइक करना चाहता है माइलेज में तो हीरो स्प्लेंडर ले सकता है, और बहुत अच्छी बाइक है। और अभी तक इसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और बेहतरीन चली। अयोध्या इसे राइड भी कर चुके हैं और आगे चल के भी इसी बाइक से राइड करने वाले हैं। और अभी न्यू बाइक लेने वाले हैं तो 1K हो जाएंगे, मतलब 1000 सब्सक्राइबर पार हो जाएंगे तो सुपर बाइक लेंगे। लेकिन बस इतना कहेंगे कि आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में लिखते रहें कि आपके हिसाब से भी कौन सुपर बाइक अच्छा होती है। तो आप लोग भी बताते रहिए सुपर बाइक में कौन कौन सी बाइक अच्छी होती है, कौन कौन सी बाइक हमें लेना चाहिए, वो हम लेंगे। क्योंकि हम क्या पहले भी बोल चुके हैं, लोग घर खरीदते हैं रहने के लिए, हम बाइक रखने के लिए घर खरीदेंगे। तो गाइस ये वाला हेलमेट जो है ना, हम सिटी में चलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जब राइड पे जाते हैं तो गोप्रो वाला हेलमेट इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आप सबको हैप्पी दिवाली है, ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, तो दिल से बोल रहे हैं हैप्पी दिवाली आप सबको एवरीवन। लेकिन सुपर बाइक कौन कौन सी अच्छी होती है आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि जितने लोग बताए रहेंगे सारे बाइक हम लेंगे। थोड़ा बहुत गूगल पे यूट्यूब पे हम स्टडी उसका देख लेंगे कि कौन सी बाइक है टूरिंग की, सुपर बाइक कौन कौन सी अच्छी बाइक होती है, हमारे नज़र में भी है, लेकिन आपको भी राय ज़्यादा बताना ज़रूरी है, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सुपर बाइक कौन कौन सी लेनी चाहिए। आप लोग जितने लिखे रहेंगे तो आपका जुबान जो है मैं इग्नोर नहीं करूँगा, वो बाइक ज़रूर खरीदूँगा। अगर कोई भाई बोल देगा कि निंजा S2 लेकर आओ तो भाई वो भी हम लेकर आएंगे, वो 1 करोड़ का है, दो आप लोग पैसे की टेंशन मत लीजिए, वो 1 करोड़ का है या 2 करोड़ का, वो कोई दिक्कत नहीं है, मैं खरीद के लाऊंगा। अगर आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो 1-2 करोड़ कोई बड़ी रकम नहीं है। लेकिन अगर आप बोल देंगे कि निंजा S2 लेकर आओ, टेना लेकर, हायाबुसा लेकर आओ, मैं सारा लेकर आऊँगा। ओपन द चैलेंज वीडियो है, ये वीडियो एक प्रूफ आईडी प्रूफ है, आप जो बाइक बोलेंगे वो बाइक आएगा। लेकिन हमें सिर्फ एक बच्ची आई है, अगर 2 करोड़ हो गया तो निंजा S2 लेकर आ जाएंगे, अगर 10,000 के पार हो गया तो सुपर बाइक तो आ जाएगी, और अगर 1 लाख सब्सक्राइबर पार हो गए तो भाई साहब निंजा टेनार आ जाएगी। तो हमें सिर्फ आप लोग का प्यार चाहिए, सब्सक्राइब और लाइक आप लोग का प्यार चाहिए। तो जितना ज़्यादा अगर इस वीडियो पे 10,000 लाइक जाएगा तो समझ लीजिए सुपर बाइक फटाफट आ जाएगा। जी हाँ, अगर 10,000 लाइक चला गया तो सुपर बाइक समझ लीजिए आ गया। तो यहाँ तक ब्लॉग अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, यहाँ तक वीडियो देखें तो सपोर्ट करके जरूर जाइए, क्योंकि हमें आप लोग का प्यार चाहिए।
और हम यूट्यूब पे इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं कि बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर सोच भी नहीं होंगे। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि हमारे पिताजी देते हैं पैसा, हमारे पिताजी एलईडी नहीं है, 7-8 साल के थे तभी चले गए थे, तो खुद पैसा कमाते हैं, खुद पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब खुद की कमाई से राइड करेंगे पूरा। तो बस आप पैसे की टेंशन ना लीजिए, आप जो बाइक बोलेंगे सारा बाइक आएगा, सिर्फ हमें आप लोग का प्यार दिखना चाहिए। तो फटाफट लाइक करके जरूर जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो जो बाइक भाई लिखेंगे वो बाइक हम नोट कर लेंगे अपने नोटबुक पे और वो बाइक जरूर लेकर आएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं जो हमारे सब्सक्राइबर बोलें वो काम हो। जैसे हमारे एक सब्सक्राइबर बोलें कि वासिम टावर लेकर आओ, उससे मेरे को ऐसे ही जो भाई बोलेंगे कि ये वाला बाइक खरीदिए, वाला बाइक हम खरीदेंगे और उनको देंगे चलाने के लिए। अब उसके साथ राइड करिए, हमारे साथ राइड करिए, हम आपको तेल डराना रहेगा, हम बाइक आपको सब कुछ देंगे, बस हमें आप सपोर्ट करिए, बाकी सब कुछ आप ही का है। ये बाइक मेरी नहीं, आप इस बाइक के साथ भी आप राइड कर सकते हो। अगर मैं 3-4 बाइक ले लेता हूँ तो सब्सक्राइबर हमारे साथ राइड कर सकते हैं, हम बाइक उनको देंगे, सिर्फ उनको तेल डराना रहेगा और अपना पापुर मंदिर लेकर अपना खर्चा लेके चलना रहेगा मेरे साथ। तो सब कुछ हम देंगे, बस सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।